नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा चैनल नीडल एंड थ्रेड्स। आज हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, इसलिए आप सबका धन्यवाद। आज हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन का ऑयल कैसे चेंज करना है। इस मशीन को लेकर हमें 2 महीने हो चुके हैं, इसका डिटेल रिव्यू भी हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। आज हम इसका ऑयल चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें मशीन को खोलना है। इसके पीछे एक स्टिक होती है जिस पर हम मशीन को टिका देंगे। मशीन लेने के बाद 1.5 से 2 महीने में पहली बार ऑयल चेंज करना चाहिए। इसके बाद आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। अगर ऑयल का कलर बहुत चेंज हो गया है और उसमें कचरा जम गया हो तो ऑयल चेंज कर देंगे। ये फिल्टर है, यहाँ से ऑयल नीचे गिर रहा है। हम कुछ देर इसे ऐसे ही रहने देंगे। इस स्क्रू के नीचे हम ऑयल को जमा करने के लिए इस तरह से कैन लगा लेंगे। अब इस स्क्रू को ऊपर से निकाल लेते हैं। ऑयल नीचे जाना शुरू हो गया है, इस तरह से ये कैन में जमा हो जाएगा। अब हम ऑयल टैंक से सारा कचरा साफ कर देंगे। टिश्यू पेपर से सारा ऑयल और डर्ट साफ कर देंगे। अब इस स्क्रू को दोबारा से लगा लेते हैं। अब हम टैंक में नया ऑयल भर देंगे। इसका लेवल हाई और लो के बीच में रखेंगे। अब इस स्क्रू को भी ऑयल लगाकर लगा देंगे, जिससे हमारा नी पैडल आसानी से मूव करेगा। फिल्टर और इन धागों से ऑयल टैंक का ऑयल पूरी मशीन में पहुंचता है। अब मशीन को ऑयल टैंक पर ठीक से रख देंगे। मशीन को ऑन कर देंगे। हर बार मशीन को ऑन करने के बाद 1 मिनट तक चलाकर देखना चाहिए। यहाँ से ऑयल उड़ता हुआ दिखेगा, जिससे यह पता चलता है कि पूरी मशीन में ऑयल सर्कुलेट हो रहा है। ऐसा करते समय हमें मशीन से बॉबिन केस को निकाल लेना चाहिए और फुट ऊपर की तरफ रखना चाहिए। इस तरह से यहाँ से ऑयल उड़ता हुआ दिखेगा। 1 मिनट बाद आप अपने मशीन पर सिलाई कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।